मोदी जी को वोट देंगे, विकास ही विकास है भैया। क्या क्या जैसे जैसे अभी ऊपर से गया एरोप्लेन क्या, और ये बगल में ये संबित पात्रा मत बनिए, संबित पात्रा मत बनिए, आप संबित पात्रा का हाल है बोलकर भाग जाते, वो मत कीजिए, वो मत कीजिए। उसको लूज मोशन लगा था, भाग गया, कह रहा देशभक्त हूं, देशभक्त पे चार बात चिल्लाने से मेरा मत नहीं बदलता। तुम मत मूर्खों के नहीं बदला करते, समझदारों के मत बदला करते। जो सूखा पेड़ होता है टूट जाता है, झुकता नहीं है, झुकने वाला हरा पेड़ होता है। बीजेपी की खुदाई कर लीजिए सब राम भक्त में निकलेंगे, आरएसएस की खुदाई कर लीजिए देशभक्त, हिंदुस्तान ही देश है, हिंदुओं अंबेडकर का देश है, महात्मा गांधी का। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भावी प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि रुपया उसी देश का गिरता है जहां का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। आज डॉलर 95 रुपए में चला गया और 83 शायद, और उस वक्त 54 रुपए में था। ये बताइए डॉलर रुपया इतना क्यों आजाद हुआ था, तो रुपया डॉलर दोनों बराबर था। ज्यादातर शासन किसने किया, कांग्रेसियों ने, और जब 2014 में रुपया डॉलर का क्या भाव था। सुनिए 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 एक बात सुनिए एक बात सुनिए ये बात बताइए, ये भाजपा की जो अंधभक्ति में लीन है ना लोग, ये ऐसे लोग हैं ना, ये जो कांग्रेस के चमचे हैं ना, ये सोचते हैं कि भाई एक दिन दूध दे, ये वही चमचे हैं। सुनिए कांग्रेस, अरे जय श्री राम वालों को बुलाओ, पहले जय श्री राम वालों को बुलाओ, पहले जय श्री राम और सनातन का मतलब पूछ लीजिए। मैं भारत का समर्थक हूँ और मैं संविधान को मानने वाला हूँ। संविधान के अंदर जो उद्देशिका उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये हम सब भारत के लोग हैं। हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए काम करेंगे। इन्हें ना संविधान का मतलब पता है, सिर्फ इन्हें ये कह रहा है जय श्री राम। मैंने एक बात पहले भी कही तो मैं आज भी कहूंगा कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। शिव के गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला जी भी पिए, पंडित जी भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा। और इन ऐसे फिरका परस नफरतवादी लोगों से पूछो, क्या देश अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी अलग चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। इन लोगों को सिर्फ कुछ नहीं पता, ये भगवान राम के नाम पर सिर्फ भाजपा के बहकावे में आ रहे हैं। और देखिए मेरी नज़र में सच्चा देशभक्त, सच्चा राष्ट्रवादी वो है जो संविधान को मानता है और देश में एकता और अखंडता की बात करता है। बुलाइए इन्हें, कहाँ चले गई है, तो चले गए। देखिए ये सब फर्जीवादी लोग हैं, लेकिन हम अंबेडकरवादी लोग हैं, हम इनकी विचारधारा को देश में नहीं लागू होने देंगे, संघर्षों के हम आदि हैं। आप बोलेंगे चचा के ये। जब तक कांग्रेस का सत्ता था तब तो गुंडा राजा आया, ठीक है, क्योंकि मैं कांग्रेस का कोई समर्थक ही नहीं। नहीं, जब तक कांग्रेस का राज था तब तक गुंडा राज आते गया है। सुनिए, आज जो किसान शंभू बॉर्डर पर पड़ा है वो खालिस्तानी और आतंकवादी दिखेगा, जो देश के दलित दिल्ली यूनिवर्सिटी पर अपना आंदोलन कर रहे वो इनको जिहादी दिखेंगे, जो मुसलमान अपने हक की आवाज लड़ेंगे वो इनको पाकिस्तानी दिखेंगे। संसद के अंदर एक भाजपा का सांसद, सुनिए सारे सुनिए, संसद के अंदर एक भाजपा का सांसद एक मुसलमान को सांसद को कहेगा ओए आतंकवादी, ओए जिहादी, ओए मुल्ले, ओए कटुए। आइए आप जवाब दीजिए, क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो जो अब्दुल कलाम आजाद, जो अब्दुल कलाम थे उन्होंने जो न्यूक्लियर किए वो सब वापस कर देंगे भाजपा के भक्त। अब्दुल कलाम को राजनीति में लाने वाला कौन है, कांग्रेस है। मैं संविधान से छेड़छाड़ पहले कांग्रेस ने की, नहीं संशोधन किया, क्यों किया उसके खिलाफ बोलो। आप संविधान की बात कर रहे हैं, आपने भी बोला, आपने बोला संविधान, सुनिए किसने किया, सुनिए 1991 का जो प्लेस वर्शिप एक्ट है वो क्या कहता है, संविधान को छेड़छाड़ पहले किसने की, बात तो सुन लीजिए दादा, दादा हमारी बात सुनिए, जो 1991 का जो प्लेस वर्शिप एक्ट था उसमें साफ साफ लिखा है कि 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल थे, सुनिए चाचा, 1947 से पहले के जो धार्मिक स्थल थे, चाहे वो मंदिर था, मस्जिद थी, गुरुद्वारा था, चर्च था, जो भी था, उसके साथ छेड़खानी करने का अधिकार किसी भी सरकार या किसी भी प्रशासन को नहीं है। तो पूरे देश की सरकार तमाम मस्जिदों के नीचे, सुनिए, मंदिर खोज रही है। एक बात इनसे मैं पूछ रहा हूँ, पहले मेरा सवाल, 2019 में जो 300 किलो आरडीएक्स आया था वो कहाँ से आया, उसकी खोज क्यों नहीं हुई आप तक 2019 जवाब लोगे, उसका जवाब दे जवाब लोगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा उसके फर्स्ट पेज पर राम भगवान की मूर्ति है या नहीं है, मान लोगे, वो मानते थे भगवान राम को, फिर अम्बेडकरवादी राम भगवान को क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, इसका जवाब सुन लो। दूसरी चीज, सबसे पहले कांग्रेस ने संविधान के साथ छेड़छाड़ की, इस बात पे एग्री हो, आर्टिकल 370 अगर वो हट गया
इसको आप देश हित में नहीं मानते क्या? मैं मानता हूं, ठीक है। 35 से हट गया, इसको देश हित में नहीं मानते क्या? राम मंदिर अगर बन गया, लोग बात कह रहे किसने बनवाया? सुनो मेरे, सरकार का एक भी पैसा नहीं। राम मंदिर किसने बनवाया? किसने बनवाया? सरकार का एक भी पैसा नहीं। राम मंदिर किसने बनवाया? सरकार का एक भी पैसा नहीं। किसने बनवाया? हमने बनवाया, हमने। सुप्रीम कोर्ट से बन गए आप? सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, पैसा हम लोगों का लगा, तुम्हारा लगा। लेकिन सुनिए, भाजपा फिर ये क्यों कहती है कि कसम राम के खाएंगे और मंदिर वही बनाया? ना केंद्र से आया, ना राज्य से आया, एक भी। ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं भाजपा को। सुनिए एक बार बताइए, मंदिर आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने और आपने बनवाया, मैं आपका स्वागत करता हूँ, फिर भाजपा क्रेडिट क्यों ले रही है कि मंदिर हमने बनवाया? सरकारें और भी तो थी, सरकारें और भी तो थी। अच्छा रुकिए, आपकी मानना है, रुकिए, ऑन कैमरा बात हो रही है, सब लोग खड़े, आपका मानना है। सुनिए, भाजपा ने मंदिर बनवाया 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा के प्रधानमंत्री रहे, मंदिर क्यों नहीं बना फिर? अगर भाजपा मंदिर बनवा, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे यूपी में, क्या हुआ? उन्होंने कहा मुझे गर्व है, गर्व, मुझे खेद नहीं है। अब जितनी देर में बोलूं सुनना ध्यान से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे माँ बाप के टाइम पे गलत हो जाती हैं, ठीक। हमारे पास दो रास्ते हैं, हम माँ बाप की उन गलतियों को लेकर अगली पीढ़ियों तक लड़ते रहें, या उन गलतियों को वहीं छोड़ के आगे जीवन को बढ़ाएं। एक बात, एक बात, ठीक। अब आप भाई, बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर था, या बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, ठीक। इसके बारे में विश्लेषण है। पहली बात तो अगर पहले था तो ये बात अंग्रेजों के टाइम पे क्यों नहीं उठी, पहली बात। दूसरी बात, 47 से लेकर 84 तक, ठीक, ये बात क्यों नहीं उठी? 84 के बाद कोर्ट में मुकदमा गया, उससे पहले भी और हिंदू थे देश में, बड़े बड़े संगठन थे, कभी राम मंदिर मस्जिद का मुद्दा क्यों नहीं उठा? मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया, ये किताबों में लिखा, आरएसएस के लोगों ने लिखा और हिंदूवादी संगठन ने लिखा, लेकिन मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया आंखों से देखा जा रहा है, दुनिया ने देखा। ठीक, किसी ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया, मैं कह रहा हूँ बहुत गलत किया। बाबर बहुत बड़ा आक्रमणकारी था, बहुत हरामी था, बहुत गलत व्यक्ति था, उनने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया, लेकिन तुमने भी तो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया है, तुम सही कैसे हो गए? अगर गलत वो था ना, तो उसके उसके शासन में गलती उसने कर दी, बहुसंख्या के दम पे उसने गलत कर दिया, तो तुमने भी तो वही किया। अगर आस्था के खेल, संविधान का देश है, संविधान हिंदू मुसलमान का देश है, हिंदुस्तान ही का देश है, हिंदू अंबेडकर का देश है, महात्मा गांधी का देश है, सबका देश है, एक कम्युनिटी का देश नहीं है, किसी एक कम्युनिटी का देश नहीं है, ये सबका देश है, किसी एक कम्युनिटी का देश नहीं है, संविधान, किसी एक कम्युनिटी का देश नहीं है, ये हिंदू और मुसलमान का देश नहीं है। बंटवारा क्यों किया जब ये सबका देश था? पाकिस्तान अलग क्यों किया? क्यों किया पाकिस्तान? पाकिस्तान आजादी के बाद बटा या आजादी से पहले बटा, इनसे ही पूछो। पाकिस्तान का आजादी दिवस है 14 अगस्त और भारत का 15 अगस्त। कांग्रेस कैसे बांटेगी? कांग्रेस कैसे बांटेगी देश? जब भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ, पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ। आजादी से पहले बंटवारा में तो बंटवारा ही हुआ। आजादी से पहले जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, जिन्ना कह रहे हैं मैं बनूंगा, 27 चक्कर हुआ ना। मुसलमान का बंटवारा है, ये पार्टियों का बंटवारा होगा, हिंदू मुसलमान का बंटवारा होगा, मुसलमान का नाम पे, भाई के नाम पे नहीं हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नाम पर हुआ। सुन लो, जो गांधी परिवार कहीं भी देख लो, खुदाई कर लो, मुगल निकलेंगे। सुन एक मिनट और सुन लो, बीजेपी की खुदाई कर लीजिए, सब राम भक्त में निकलेंगे। आरएसएस की खुदाई कर लीजिए, देश भक्त निकलेंगे। और मोदी योगी की खुदाई कर लो, सब सन्यासी निकलेंगे। मूर्खों का मत नहीं बदलता, मूर्खों का मत नहीं बदलता, मूर्खों का मत नहीं बदलता, मूर्खों का मत नहीं बदलता। चिल्लाने से मेरा मत नहीं बदलता, मत मूर्खों के नहीं बदला करते, समझदारों के मत बदला करते। जो सूखा पेड़ होता है टूट जाता है, झुकता नहीं है, झुकने वाला हरा पेड़ होता है, ठीक। उसको लूज मोशन लगा था, भाग गया। कह रहा देशभक्त हूं, देशभक्त में चार बातें पूछूंगा, नहीं पता होगी। ये भाई बार बार नारा लगाता जय भीम, या क्या जय भीम की वजह से मायावती जीरो होगी उत्तर प्रदेश में, और जीरो ही रहेगी मायावती, इन लोगों की वजह से ही जीरो होगी उत्तर प्रदेश में, और जीरो ही रहेगी, ध्यान रखियो। और बोलिए और कुछ, क्योंकि कोई भी आदमी हो अगर एक पक्ष को लेकर तुम जोर लगाओगे, भाई एक पक्ष को लेकर तुम लोग जोर लगाओगे और खामुखा की बात पर रोल मचाओगे। जय भीम से क्या संविधान चल रहे है भाई? अब संविधान को देखो, तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, उसे हिंदू मान रहे सभी, क्या कोई नहीं, जय श्री राम बोल रहे हो तुम, संविधान तो उससे भी नहीं चल रहा, लेकिन बोल रहे हो तुम, नहीं भाई एक बात बता, सहारनपुर में फतवा जारी करा देवबंद में, उसके बारे में बता, गलत है वो फतवा, क्या है बता दो इसको, गजवाए हिंद का फतवा, सुनो ध्यान से। देखिए संबित पात्र मत बनिए, संबित पात्र मत बनिए, आप संबित पात्र का हाल है कि बोलकर भाग जाते हो, मत कीजिए वो, मत कीजिए आप वो, मत कीजिए। मैं तुम्हें रेफरेंस दूंगा, जवाब अगर सवाल कर रहे तो जवाब सुनना, सच बोलने का सुनना। एबीपी न्यूज की एक सीरीज आती है,
एबीपी न्यूज़ की एक सीरीज आती है प्रधानमंत्री, ठीक है, उसमें गोधरा कांड इन्होंने जो बताया, ठीक है, वो इन्होंने बताया पार्शियल ट्रूथ, अर्ध सत्य, और आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। गोधरा कांड का विश्लेषण ये था कि भाई राम भक्त जा रहे थे, गोधरा एक स्टेशन है, वहाँ पर किसी ने बोगी जला दी, ठीक, उसमें सारे हिंदू पंडित थे, तो वहाँ की वीएचपी विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया, उन बॉडी को उनके घर नहीं भेजा, वहाँ के दो चार लोग जो संगठन से जुड़े थे उसको विश्व हिंदू परिषद के और आरएसएस के ऑफिस में भेजा, जिससे वहाँ के वहाँ पर स्पीचेस हुई और भावना भड़काई गई कि देखो हिंदुओं का ये हो गया। और वो गोधरा के नज़दीक 2000 मुसलमानों की स्लम बस्ती थी, गरीब लोग मुसलमान जो थे उनकी बस्ती थी, शक उन्हीं पर गया, जाएगा भी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये सब सरकार की निगाहों के तले हो रहा था, गलत बात नहीं, लोगों की भावना भड़कती है, गलत है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर 2000 लोगों की बस्ती को 8-10 हज़ार लोगों ने घेरा, पूरी बस्ती को जला दिया, लोगों के पेट फाड़े, बच्चा मारा, उसमें से बिल्किस बानो का भी केस है, ठीक है, जिसके आरोपियों को सजा हुई और वहाँ की सरकार ने उनको बेल दे दी, मतलब माफ़ी की दे दी, ठीक है, जबकि गुजरात सरकार का केस ही नहीं था, वो महाराष्ट्र सरकार में लड़ा जा रहा था, अगर उनको बेल मिलती, उनको मतलब सजा में छूट मिलती तो महाराष्ट्र सरकार करती, कोर्ट ने वहाँ पर कोर्ट के दबाव में वहाँ की सरकार ने कोर्ट ने उनको छोड़ दे दी, फिर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा सजा मिली। भाजपा के कार्यकर्ता ने उन बलात्कारियों को स्वागत किया, हार में हार मारे पहनाई, बात ये नहीं कि गलत हुआ सही हुआ, उस टाइम का मुख्यमंत्री वहाँ के नरेंद्र मोदी जी थे, कुछ भी था, इतनी बड़ी घटना हुई, उस नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री ने आज तक उस घटना के लिए ये नहीं कहा कि ये एक गलती थी, ये नहीं होना चाहिए था, मैं इसके लिए निंदा व्यक्त करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस टाइम पे सजेस्ट किया था कि तुम राजा हो, राजा का धर्म ये होता है कि तुम्हारे लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं होता, बयान है, कोट कर लेना, ना हिंदू हो सकता ना मुसलमान, तुम सबके लिए एक समान कार्यवाही करो, जबकि ऐसा नहीं हुआ, वहाँ भी पक्षपात हुआ, चलो पक्षपात हुआ नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम हुई नहीं हुई, लेकिन एक जिम्मेदारी बनती थी बतौर मुख्यमंत्री कि ये नहीं होना चाहिए, मैं इसकी निंदा करता हूँ। आज तक मोदी जी ने उस घटना के लिए निंदा भी व्यक्त नहीं की है, ये शर्म का विषय है इस देश के लिए, ठीक है, ये शर्म का विषय है, ये है गोधरा की सच्चाई, तुमने जो कहा वही कहा मैंने, हिंदू भी मरे मुस्लिम भी मरे, ठीक भाई, दोनों मरे, एक हिंदू मरा तो उसकी जान की कीमत भी बहुत है और एक मुसलमान मरा तो उसकी कीमत भी बहुत है, लेकिन मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारी थी, घटना तो रोक सकता था ना। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं, अब सुनो, अभी गोधरा कांड वाली जो बात थी भाई ने बताई, इसमें कार्रवाई हुई, मुकदमे चले और कल परसों अभी मोदी को भाई कोर्ट ने बरी करा उस मामले। अब ये जो भाई जय भीम के नारे लगा रहा, इस भाई को ये नहीं पता बंगाल में हुआ क्या है, बंगाल में क्या हुआ, ये हाल है इनके। अभी योगी जी का एक बयान आया था, तुम लोग सभी सुन लो, एक पत्रकार ने भाई ने पूछा था योगी बाबा से कि उपद्रव का कारण क्या है, वहां ने कही जहाँ 10-15% बम डन है वहाँ छोटे मोटे झगड़े होते हैं, और जहाँ 15-35% बम डन है वहाँ मारकाट होती है, और जहाँ इनसे भी ज्यादा वहाँ तो कोई कहने सुनने वाला ही ना है। और सुनो सुनो, और जहाँ 90% बम डन है वहाँ क्या होता है, वो मोदी की ताकत है, वहाँ की जमीन वहाँ की सरकार की, देखा, इसे कहते हैं अंधभक्ति, इसे कहते हैं अंधभक्ति, इसे कहते हैं अंधभक्ति, ठीक, मतलब अगर दुबई में दुबई का राजा नहीं चाहेगा तो मंदिर बना लोगे, ठीक है, 90% मुस्लिमों के देश में मंदिर बन गया और यहाँ 80% पे दंगे, 60% पे दंगे बता रहे हो, यहाँ का राजा तो पागल है, सुनो झूठ बोल रहे ना, ठीक है, सुनो, अरे ऑलरेडी 1000-1500 साल पुराने मंदिर हैं विदेशों में, हैं, तुर्की में भी मंदिर है, तुम्हें पता नहीं है, स्वामी नारायण के मंदिर इन्हें पता नहीं है, अरे गूगल करो, तुम्हें पता नहीं है, स्वामी नारायण के मंदिर ऑलरेडी 1000-1500 साल पुराने हैं और मुस्लिम देशों में हैं, पाकिस्तान के अलावा तुर्की में है, ठीक है, सुनो, तुर्की में है, मिस्र में भी है, ठीक है, और 1000-1500 साल पुराने, ये तुम्हारी आंखों पर चश्मा है, मोदी अरविंद जी से कहते हैं, तो तुम्हें क्या बोल रहे हैं, भक्त है, हम तो वोट मोदी को देंगे, भक्त है आप, हम मोदी जी को वोट देंगे, क्या बोले आप, विकास ही विकास है भैया, क्या क्या, जैसे जैसे अभी ऊपर से गया एरोप्लेन, क्या ओ ये बगल में बुर्ज खलीफा, मुझे दिखा बुर्ज खलीफा के पास ताकत है ना, ये जो पेस्ट कंट्रोल का काम करता है 8800 रुपए महीना कमाता है और इसने 18 लाख का घर ले लिया, चार साल पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अनुभक्त है, पूरे देश का सबसे बड़ा अनुभक्त है, ये पूरे देश का सबसे बड़ा अनुभक्त है, 55,000 रुपए की है, इतनी ये दहेज का माल को अपना, इसके 8800 की तनख्वाह है, इसके 8800 की तनख्वाह है, और तेरी 8800 की तनख्वाह तूने यार सोने की 8800 की तनख्वाह तेरी 8800 की तनख्वाह तेरी नौकरी मैंने छोड़ दी, मैं अपना काम कर रहा हूं, अरे अपना काम कर रहा हूं, 55,000 की अंगूठी के बाद 500 की शर्ट भी लेता है, 8800 की तनख्वाह मिठाई भी लिया, 55,000 की अंगूठी लिए 500 रुपए की शर्ट भी लेता है यार, थोड़ी नहीं करूंगा, सेट की क्या कमी है, अरे विकास बताइए भाई, हमारे लिए तो विकास बहुत है, क्या क्या
मैं ठीक, हमारा रोड ठीक है, हमारे इधर विकास बहुत ज्यादा हुआ है जिला परिषद क्षेत्र में, और मेरे भांजे को सरकारी नौकरी।